हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं एक रंगोली बना रही हूँ। हमें मार्केट से कुछ भी नहीं लाना है, जो हमारे पास है उसी चीज़ों से हम बहुत अच्छी रंगोली बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने ईंट को कलर लगाया है। मेरे पास बचा हुआ था ऑयल पेंट, तो मैंने ऑयल पेंट किया है। आपके पास एशियन पेंट हो, कोई भी पेंट हो, आप कर सकते हैं, जैसा भी आपके पास कलर हो। तो मैंने इनको एक दिन सुखाया है और दूसरे दिन ये जो कलर होता है ऑयल पेंट वो मैंने ईंट पे लगाया है। और ये जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ये रंगोली के डिज़ाइन है। तो रंगोली से आपके पास जो भी डिज़ाइन हो आप जैसे बना सकते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ। और ये जो ट्यूब होती है कलर में पेंट में, वही बची हुई मेरे पास रखी थी, तो वही मैं जो है यूज़ कर रही हूँ। वैसे ही ये पड़ी सूख जाती रखी होती तो जो हमारे पास है उससे हम घर में जो रखी चीज़ें होती है बहुत ही अच्छी रंगोली बन सकती हैं। तो अभी देखिए, दोनों साइड मैंने फ्लावर बना दिए हैं। वैसे वाइट कलर इसमें बहुत अच्छा लगता, पर मेरे पास ये डार्क ब्लू कलर जो है वही बचा हुआ था, तो उसी ट्यूब से मैंने ये डिज़ाइन बना दिए है। और अभी जो कलर बच गया है उससे मैं घर पर ही बना रही हूँ, जो गुलाल होता है वह रंगोली के लिए। तो अभी देखिए, ये सब मैं घर पर ही बना रही हूँ। मैंने ले लिया है वाइट सीमेंट हो तो ठीक है, जो भी आपके पास हो। ये पुट्टी है, वाइट सीमेंट भी ले सकते हैं। तो ऐसे इसमें जो कलर है वो मैंने मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं किया है, बस हमें अच्छे से मिक्स कर देना है हाथों से, तो बहुत अच्छे से जो है कलर आ जाता है। जो भी कलर आपको पसंद हो, आपके पास रखा हो, ऐसे आप रंगोली के लिए ये बना सकते हैं। तो देखिए, ये रंगोली के कलर जो है रेडी हो गया है। एक मैंने पिंक कलर किया है और एक ये ब्लू कलर। तो दोनों कलर जो है मेरे पास रखे थे उनसे मैंने बना दिया है। और ये अभी मैं आंकड़े के पत्ते लेके आई हूँ, जो हर जगह मिल जाते हैं, तो हमारे पास में ही यहाँ लगे हुए थे, तो मैं वही पत्ते लेके आई हूँ। वैसे पीपल के पान भी आप ला सकते हैं, पीपल के पान हमें तोड़ने में पाप चढ़ता है, तो इसीलिए मैंने ये आंकड़े के पत्ते ही लिए हैं। और अभी जो ईंटें हैं वो सारी सूख गई हैं, तो इनको मैं ऐसे बना रही हूँ रंगोली। बहुत अच्छी रंगोली बनती है, जो हमारे घर में व्यस्त रखी हुई चीज़ों से बहुत अच्छी बना सकते हैं। एक मैंने कटोरी ले ली है, उसके ऊपर मैंने थाली रख दी है जो मेरे पास रखी थी पूजा की, और ये मैंने दीपक रख दिया है। और अभी जो फ्लावर है ये मैंने घर पर बनाए थे, आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, असली नहीं, नकली हैं। तो इनको भी मैं ऐसे थाली में जो है डेकोरेट कर दूंगी। आपके पास अगर उल्ली हैं तो आप उल्ली से पानी में असली फूल डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने जो है आर्टिफिशियली जो है डेकोरेट किए हैं, तो ऐसे जो है सब जगह जगह खाली दिख रही है, वहाँ पे जो है हमें एक एक फूल रख देना है। और हमारे यहाँ पेड़ लगा हुआ था बाजू में ही, तो वहाँ से मैंने ये पत्ते लेके आई हूँ, पता नहीं किसके हैं, पेड़ मालूम नहीं है। तो जो भी आपको इस तरह के पत्ते मिले तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना के आप रंगोली बना सकते हैं। आप पान भी ला सकते हैं, पीपल के पत्ते भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे साइड में देखिए, मैं बना रही हूँ रंगोली। तो आपकी पसंद की कोई भी रंगोली बना दीजिए, मैंने दीपक बनाए हैं। तो ये कलर मैंने घर पर ही बनाया था, इसीलिए मैंने यही कलर लिया है। आप अगर चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रंगोली जो है अभी रेडी हो गई है। तो अभी मैं सबके ऊपर दीपक रख दूँगी। मैंने एक ईंट पे एक दीपक रखा है, आप चाहो तो दो दीपक रख सकते हो, और ज़्यादा रोशनी होगी और ज़्यादा अच्छा होगा। और ये मैंने सारे दीपक जला दिए हैं और बहुत ही अच्छी जो है हमारी रंगोली बनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, रंगोली बहुत अच्छी बनी है, हमने मार्केट से कुछ भी नहीं लाया है। मेरे जो दीपक है वो भी अगले साल के ही हैं, और अभी दीपावली पे सब नए लाऊंगी। तो जो मेरे पास रखे थे उन्हीं से मैंने बहुत अच्छी जो है रंगोली बनाई है। आप सबको कैसी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। तो यहाँ पे देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे घर पर सबके पास हैं, तो आप भी इस तरह से रंगोली बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।